साथियों, ये मेरा खुद का अनुभव है कि 4-5 महीने पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पंचायत चुनावों में जो लोग चुनकर आए वे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। वे अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ महीनों पहले जब मैं श्रीनगर गया था तो वहां मेरी उनसे लंबी मुलाकात भी हुई थी। जब वो यहां दिल्ली आए थे, मेरे घर पे आए थे, मैंने उनसे काफी देर तक बात की थी। पंचायत के इन साथियों की वजह से, चुने हुए पंचायत के पंच और प्रधान के वजह से जम्मू कश्मीर में बीते दिनों ग्रामीण स्तर पर बहुत तेजी से काम हुआ है। हर घर बिजली पहुंचाने का काम हो या फिर राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री ODF बनाना हो, इसमें पंचायत के प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसमें भी महिला पंच जो चुन करके आई है, उन बहनों ने तो कमाल करके दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे। ये मैंने देखा है और मेरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सपनों के साथ आगे बढ़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के वातावरण में नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। साथियों, दशकों के परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर के मेरे युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया। अब मेरे युवा जम्मू कश्मीर के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों, वहां की बहन बेटियों से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान आगे आइए, खुद संभालिए।